सागर जिले के सभी युवा कांग्रेसियों ने गर्ल्स डिग्री कॉलेज चौराहे पर एकत्रित होकर व्यापम, महंगाई, बेरोजगारी को लेकर भाजपा सरकार खिलाफ कलेक्ट्रेट का घेराव करने की प्लानिंग बनाई थी, लेकिन पुलिस की सख्ती के कारण कांग्रेस नगर निगम कार्यालय के आगे नहीं जा सकी। जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ता नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट जाने लगे तो पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। फिर भी कांग्रेस कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, पुलिस से उनकी झड़प हो गई। वहीं भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का उपयोग किया गया। युवा जिला अध्यक्ष राहुल चौबे ने आरोप लगाया कि व्यापम के जरिए प्रदेश सरकार ने दूसरा बड़ा घोटाला किया है, बेरोजगार युवाओं के साथ धोखाधड़ी की है, महंगाई बेरोजगारी से कई परिवार परेशान है। भाजपा सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पकड़कर अपने वाहन में बिठाया, पुलिस लाइन ले गए। प्रदर्शनकारियों में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी, रेखा चौधरी, पुरुषोत्तम, मुन्ना चौबे, डॉक्टर संदीप सबलोक, अशरफ खान, अक्षय दुबे सहित बड़ी संख्या में युवा कांग्रेसी शामिल थे। उनको संवैधानिक तरीके से जहां उनको जाना था कलेक्टर से मिलना था, क्यों नहीं जाना था? उनका एक घेराव कार्यक्रम था, घेराव से उनसे नहीं थी, उनको रोका गया है। कितने कांग्रेसी थे? इनकी क्या गिरफ्तारी हो रही है? नरियावली से संजय तिवारी की रिपोर्ट।